अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा आज जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य मौजूद रहे। दरअसल जिला कलेक्टर के द्वारा रात्रि में 10 बजे से सारे प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका पालन शहर के व्यापारी कर रहे हैं। तो वहीं जिले की शराब दुकानों को रात 11:30 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है, जिस पर अखिल भारतीय हिंदू सभा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि व्यापारी अपना प्रतिष्ठान तो 10 बजे बंद कर देता है, जिससे उनकी आमदनी पर भी असर पड़ता है। तो वहीं शराब दुकान को 11:30 बजे तक खोले जाने के आदेश का भी विरोध करते हैं। इस पर सदस्यों का कहना है कि जब शराब दुकान खुली रहेगी तो शराब पीने वाला नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब लेने जाएगा, जिसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस की ओर से चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस आदेश का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। अभी वर्तमान में जो कोरोना काल की स्थिति चल रही है, उसमें माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा में 10 बजे शहर को व्यापारी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है कि शराब दुकान को 10 बजे इनने व्यापारियों को बोल दिया कि 10 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं। शराब दुकान को 11:30 बजे तक की अनुमति दी गई, उसके बाद में फिर इसमें भी बीच में एक क्लॉज रखा गया कि 10 के बाद 11:30 तक यदि शराब की दुकानों में कोई व्यक्ति शराब लेने जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो ये मापदंड कलेक्टर महोदय का समझ में नहीं आ रहा कि ये जो ये कर रहे हैं का मापदंड, या तो ये कोष खजाना भरने की तैयारी में है। जो पीने वाला व्यक्ति होगा वो 10 बजे भी जाएगा, जो जब सुबह 6 बजे जा सकता है तो वो 10 बजे भी जाएगा, 11 बजे भी जाएगा। तो या तो आप समानता है, एक समान करें उसको, रात को जो 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं वो या तो सारे व्यापारियों का 11:30 तक करें या तो 10 बजे तक करें। वो निवेदन करने हम लोग यहाँ